अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जश्न ईद मिलाद नबी स्टेटस वीडियो एडिट करने के लिए आपको शेयर कैपिट और बिटमा प्रीसेट है वो दोनों भी आपके अलर्ट मशीन ऐप में इंपोर्ट कर लेना है, और ईमेल डाउन करने के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है तो वहाँ से आप ईमेल डाउन कर लेना है। वहाँ पर MP3 म्यूजिक भी है तो वो भी आप डाउन कर लेना है। यहाँ पर बिटमा प्रीसेट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट में MP3 म्यूजिक ऐड करना है, तो MP3 म्यूजिक ऐड करने के लिए फर्स्ट में आना है। तो MP3 म्यूजिक जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर ये वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस वीडियो में MP3 म्यूजिक निकालने के लिए इस वीडियो पर टाइप कर लेता हूँ। थ्री डॉट पर जाता हूँ, फुल यहाँ पर स्ट्रेट ऑडियो करके यहाँ पर इस पर टाइप कर लेना है। MP3 म्यूजिक एक बात यहाँ से ये वीडियो डिलीट कर लेता हूँ। अब जो MP3 म्यूजिक एक बात में यहाँ पर ये जो शेप है ये डिलीट कर लेता हूँ। अब जो है यहाँ पर फर्स्ट में एक पार्टिकल ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया पर टाइप करना है। यहाँ पर ये पार्टिकल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पार्टिकल को यहाँ पर मोबाइल ट्रांसफर पर जाना है, दो नंबर पर आना है, इसको यहाँ पर 90 डिग्री कर लेना है। और इस पार्टिकल को यहाँ पर साउंड पे जाना है, इसका इस यहाँ पर साउंड पे जाकर इसका साउंड जो है कम कर लेना है। और इसको टैप करके थ्री डॉट पे जाकर फुल कॉम्पस एरिया पर टैप कर लेना है, फुल स्क्रीन करके बाद में। और इस टेम्पलेट को यहाँ पर इस तरह से प्रेस करके पकड़ना है और म्यूज़िक के नीचे रखना है। और यहाँ पर एक टाइम टैप करके ये पाँच तक इस टेम्पलेट ऐड कर लेना है और यहाँ से एक्स्ट्रा जो काट देना है। अब जो है यहाँ पर सारे में इमेज ऐड करना है, तो इमेज ऐड करने के लिए यहाँ पर पाँच पाँच पे आना है, तो यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है, सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर थ्री डॉट पे जाना है, फुल कॉम्पस एरिया पर टाइप कर लेना है। और यहाँ पर एक टाइम टाइप करके यहाँ पर एक्स्ट्रा जो काटने के लिए यहाँ पर टाइप करना है और प्लस करना है, मीडिया टाइप करना है, दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेना है, फुल स्क्रीन कर लेना है, थ्री डॉट पे जाना है, फुल कॉम्पस एरिया पे टाइप कर लेना है। और यहाँ पर एक टाइम टाइप करके यहाँ से एक्स्ट्रा जो काट देना है। तो इसी तरह आप सारे में इमेज ऐड कर लेना है। तो मैं सारे में इमेज ऐड कर लेता हूँ। तो इसी तरह आप सारे में लास्ट तक इमेज ऐड कर लेना। तो मैं सारे में इमेज ऐड कर लेता हूँ तो वीडियो स्किप करता हूँ। जो इमेज ऐड करके बाद में आप भी इसी तरह इमेज ऐड कर लेना है। और इसके बाद में इमेज ऐड करके बाद बैक करना है और यहाँ पर से कैपेट पे आना है। तो इस PNG पे टैप करना है, एफएक्स पे जाना है, थ्री डॉट पे जाकर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके बाद में बैक करना है और यहाँ पर बीट मार्क प्रीसेट ओपन करके यहाँ पर ये PNG है, इस PNG पर टैप करना है, एफएक्स पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, पेस्ट कर लेना है। और इसके बाद में बैक करना है और यहाँ पर शेक कैपेट पे आना है। यहाँ पर लास्ट में ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे टैप करना है, एफएक्स पे जाना है, थ्री डॉट पे जाकर इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके बाद में बैक करना है और यहाँ पर बीट मार्क प्रीसेट ओपन करके हमने जो फर्स्ट में जो टेम्पलेट ऐड किया था उस टेम्पलेट पे टाइप करना है, एफएक्स पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, पेस्ट कर लेना है। और इसके बाद में बैक करना है, यहाँ पर से कैपेट ओपन कर लेना है, फर्स्ट इमेज पे टाइप करना है, एफएक्स पे जाना है, थ्री डॉट पे जाकर कॉपी कर लेना है। कॉपी करके बाद बैक करते हैं और यहाँ पर बीट मार्क प्रीसेट ओपन कर लेना है। यहाँ पर 758 पे जो इमेज है इस इमेज पर टैप करना है, एफर्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना, पेस्ट कर लेना। और एक इमेज छोड़ के यहाँ पर 929 पे जो इमेज है इसमें पेस्ट कर लेना। और एक इमेज छोड़ के यहाँ पर 10
49 पे जो इमेज है इसमें पेस्ट कर लेना है, और एक इमेज छोड़ के यहाँ पर 12 10 पे जो इमेज है उसमें पेस्ट कर लेना, और यहाँ पर 13.13 पे जो इमेज है उसमें पेस्ट कर लेना, और यहाँ पर लास्ट में जो इमेज है इस इमेज में पेस्ट कर लेना है, और उसके बाद में बैक करना है, और यहाँ पर सेव कैपिट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड इमेज है इस पर टैप करना है, दो पॉइंट्स पे एफएक्स पे जाकर एफएक्स कॉपी कर लेना, कॉपी कर बैक करना है, और यहाँ पर बीट मार्क प्रीसेट ओपन करके यहाँ पे जो जिस इमेज में हमने पेस्ट नहीं किया था वो सारे इमेज में ये एफएक्स पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 11:20 पे और 12:43 पे जो इमेज है उसमें पेश कर लेना, और 13:59 पे जो इमेज है उसमें पेश कर लेना। इसके बाद में आपका लोगो ऐड करके यहाँ पर शेयर पे टाइप कर लेना है, आपका वाटरमार्क सब ऐड करके, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।